हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक वुडन कॉटेज में, जो कि होटल हो सकता है या घर हो सकता है, तो किस तरह से वहाँ यूपीवीसी को इंस्टॉल किया जा सके। साथ ही इंस्टॉल करने से पहले और बाद में कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कॉटेज किसी हिल स्टेशन पर है तो वहाँ पर विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम क्या क्या सावधानियाँ ध्यान में रख सकते हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप कोई विला, रिसोर्ट या कोई कॉटेज बनाने वाले हैं तो बनाने से पहले इस मेरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिए, ताकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको काम आ सके। दोस्तों, इस चैनल को आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर यूपीवीसी लगवाना चाहे तो वो पहले से जानकारी रख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं।
आप देखेंगे कितनी खूबसूरत हरियाली है। उस हरियाली को अच्छी तरह से देखते हुए डिनर करने का या लंच करने का माहौल जब भी अच्छा लगता है, जब ओपन एरिया अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इसीलिए वहाँ पर किसी भी तरह की ब्रिक बॉल या वुडन बॉल नहीं लगाई गई है, बल्कि UPVC की ही बॉल वहाँ पर लगाई गई है। और नीचे का आप देख रहे हैं कि बच्चे वगैरह का खतरा होता है, इसलिए नीचे 3 फुट तक फिक्स किया गया है। और उसके ऊपर आप देखें कि 5 फुट तक की जो हाइट है वहाँ पर सेंटर स्लाइड लगाया गया है, और सेंटर स्लाइड पूरा ही लगाया गया है ताकि कोई भी विंडो आप आसानी से खोल सकते हैं और बारिश या विंटर एरिया में उसे अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। तो UPVC का यही फ़ायदा है कि विंटर में आप अच्छी तरह से जब बंद करेंगे तो अंदर हवा भी अंदर नहीं आएगी और जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं वो आराम से लुत्फ ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अंदर इनका जो ऑफिस या यूटिलिटी एरिया है, वहाँ पर भी केसमेंट डोर लगाए गए हैं ताकि जो भी उनकी कटलरी है या जो भी उनका ऑफिस मटेरियल है या किचन मटेरियल, वो आराम से एक सेपरेट पोर्शन में केबिन बनाकर रख सकते हैं। तो जैसे भी हमारी रिसोर्ट की या बिला की ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से बनाना उस तरह से हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि
ये देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर फिक्स किया गया है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वुडन में बाहर के फेस से विंडो को लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिक बॉल नहीं है जिसका पलस्तर निकल सकता है। और ब्रिक बॉल में तो हम एक इंची छोड़ के लगाते हैं, बट वुडन में बाहर के फेस से लगाना चाहिए। और ये अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे फास्टनर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि सेल्फ स्क्रू लगाए गए हैं जो कि सीधे वुडन में कस जाता है और विंडो की मजबूती भी बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए सारे सेल्फ स्क्रू लगे हैं यहाँ पे। और नीचे स्लाइडर के लिए आप देख पा रहे हैं कि एल्युमिनियम के तीन ट्रैक लगे हैं तीनों पल्लों में। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी पल्ले हम स्लाइड करते हैं तो स्मूथली चलते हैं। और आप यहाँ पे जो यूपीवीसी की थिकनेस है वो भी अच्छी है, क्योंकि पल्लों की हाइट भी लगभग 8 फुट है, इसलिए 79 mm या 86 mm का सेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हार्डवेयर भी अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ पर इंस्टा कंपनी का हार्डवेयर है, तो अंदर लॉक की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर एल हैंडल का ऑप्शन दिया है। चूँकि हमें की नहीं चाहिए इसलिए एल हैंडल। और बाहर जो मैस का पल्ला है उसमें टच लॉक लगाते हैं। टच लॉक लगाने का फ़ायदा ये है कि जब भी ये पल्ला ओवरलैप होता है तो एक दूसरे के ऊपर आराम से चला जाता है। ये देखिए अंदर के पल्ले में एल हैंडल है ताकि वो आराम से स्मूथली बंद हो जाता है और किसी भी पल्ले से वो टकराता नहीं है। ये देखिए इसकी बीटिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स की गई है ताकि इसकी जो मैस है वो टाइट रहे हमेशा, क्योंकि अगर मैस लूज हो जाएगी तो वो जब भी विंड प्रेशर आएगा तो वो हवा से हिलेगी और आवाज़ करेगी। तो इसलिए जब भी हम मैस वाले पल्ले में मैस लगाते हैं तो अच्छी तरह से उसे बीटिंग की सहायता से टाइट किया जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये बैट के दोनों तरफ एक केसमेंट विंडो है। केसमेंट विंडो इसलिए लगाई गई है ताकि जो भी कस्टमर वहाँ पर रुकते हैं आपके होटल में या कॉटेज में तो वो बाहर के व्यू अच्छी तरह से उसका लुत्फ ले सकते हैं। तो आप विंडो देख रहे हैं केसमेंट, यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्रेम की गई है वुडन के ऊपर ही, और चारों तरफ सिलिकॉन भर दिया गया ताकि बिल्कुल भी हवा का प्रेशर या पानी अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 60 mm के फ्रेम में 75 mm की ये केसमेंट फ्रेम लगाई गई है और अंदर एल हैंडल लगाया गया है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अच्छी तरीके से बाहर से भी सिलिकॉन की गई है और जो रबड़ की क्वालिटी है वो भी अच्छी क्वालिटी है ताकि जो विंड प्रेशर से हवा भी अंदर ना आए और ठंडक एरिया में वो रबड़ ख़राब भी नहीं होती है। और पल्ला हवा की वजह से ज़्यादा अंदर बाहर नहीं हो, इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टील की फ्रिक्शन स्टील लगाई गई है ताकि पल्ला आप जिस जगह छोड़ेंगे वो वहीं रहेगा। और चारों तरफ अच्छी तरह से PDM वाली रबड़ लगाई गई है जो कि आसानी से इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन स्टे दो लगाई जाती है, एक नीचे और ऊपर, ताकि जिस एंगल पर आप डोर को छोड़ेंगे वो पल्ला वहीं रहेगा और हवा आने पर वो अपने आप बंद नहीं होगा, बल्कि आपको खुद बंद करना पड़ेगा। और अच्छी तरह से आप उसे लॉक करके कर्टेन डालकर आराम से रह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बाहर से इसका व्यू है। 20 फुट की हाइट में अच्छी तरह से MS पाइप की फिटिंग की जानी चाहिए। और एंट्रेंस एरिया के लिए आप चारों तरफ वुडन की या ब्रिक बॉल ना लगा के बल्कि आप सेंटर स्लाइड इस तरह से आप या 3-ट्रैक विंडो लगा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपका एंट्रेंस वाला एरिया है तो उसमें कोई भी ऊपर फिक्स ना दें बल्कि पल्ले की हाइट पूरी दें ताकि उसका लुक अच्छी तरह से दिखाई दे। ये दूर से देखने में भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितने कि आप अंदर बैठ के उसे महसूस कर सकते हैं। और ये सेम अभी आपको दिखाया था, ये केसमेंट विंडो है। केसमेंट विंडो रात में भी उतनी खूबसूरत चमकती है जितनी दिन में। और रात में जब कॉटेजों की लाइट ऑन की जाती है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये आप देख पा रहे हैं बाहर से व्यू लिया गया है और अंदर आप देख रहे हैं कि लाइट जल रही है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दूसरे कॉटेजेस हैं, उनमें भी लाइट जल रही है तो रात में भी देखने में उतनी ही खूबसूरत लगते हैं जितने दिन में। और ये कॉटेज का अंदर से व्यू है, तो जब भी आप कॉटेज या रिसोर्ट बनाने की सोचें तो एक बार UPVC लगाने पर ज़रूर विचार करें। और UPVC हमेशा अच्छे फैब्रिकेटर से और अच्छी क्वालिटी के लगवाएं, क्योंकि वहाँ पर बार बार नहीं लगाई जाती है, एक बार लगाते हैं तो सालों तक वो चलती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अच्छी क्वालिटी की UPVC ग्लास और हार्डवेयर का यूज़ किया गया हो। ये देखिए कॉटेज का व्यू है, कितना शानदार लग रहा है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, साथ ही आप और लोगों को भी बता सकते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से UPVC को लगवा सकें। दोस्तों, अगर आप UPVC लगवाना चाहते हैं तो मैं दिल्ली और आसपास के 500 किलोमीटर के एरिया में UPVC सप्लाई कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई जानकारी के लिए कृपया आप हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।